राफ्टिंग विला है। राफ्टिंग में प्लम्बिंग का हम चेक करता है अभी। राफ्टिंग में ये वेंट पाइप है, ये डाला हुआ है, ये वेंट पाइप, ये पाइपिंग पूरा नीचे हो गया, ऊपर वेंट पाइप डाला हुआ है, सब जगह में लिंक हुआ है, उसको लेके जाके राइसर में दिया हुआ है, ठीक है ना। अभी राफ्टिंग है, ये सब स्टील लगा हुआ, इसमें दीवार आएगा, प्रीकास्ट वाला है, उसमें आएगा। ये वेंट पाइप कनेक्ट किया हुआ है, ये साइल पाइप में कनेक्ट किया, वेस्ट पाइप में कनेक्ट किया, सब पॉइंट का एंड में भी कनेक्ट किया, ठीक है ना। ये अपना एक FCO, ये WC, ये फ्लो ट्रैप, उसका बगल में CDP का पॉइंट दिया हुआ है, सब दीवार में बांधा हुआ है स्ट्रेट करके एकदम। ओके, ये दीवार 10 सेंटी का है, 10 सेंटी का अंदर वो पाइप आना चाहिए। ये अपना स्टील लगा हुआ है, वो दीवार है, ये स्टील लगा हुआ है, ये स्टील है ना, ये दीवार है। ओके, ये थर्माकोल लगाया कोई पॉइंट चेंज करने के लिए, हटाने के लिए, 45 लगाने के लिए, ये सब थर्माकोल लगा हुआ है। वेंट पाइप इसमें भी कनेक्ट किया, उधर राइसर में आके कनेक्ट हुआ। अभी अपना शाफ्ट है, वो शाफ्ट में चेक करना चाहिए, ये दीवार है ना, ये दीवार बोला ना, ये स्टील दीवार में आएगा, उससे शाफ्ट को हम देख चेक करना चाहिए, इसमें से टच करके 12.5 20% है, 12.5 का 12 का चेक करने का मेन। ये फ्लो ट्रैप है, FT लिखा हुआ ना, फ्लो ट्रैप है, ये पॉइंट को अपना टाइल में ग्रेटिंग है ना, ग्रेटिंग लगाने का टाइम प्रॉब्लम आएगा, इसके लिए रखा हुआ है एडजस्ट करने के लिए, थोड़ा हीट करके उसको एक सेंडी दो सेंडी तक हम कुछ कर सकता है इसको। ये है अपना वॉशिंग मशीन का पॉइंट है, डिशवाशर का पॉइंट है, ये CDP है, CDP मतलब कंडेंसर ड्रेन पाइप, अपना AC से आता है ना वो पानी के लिए, वो पाइप प्रोफेशन है, वो किचन सिंक के लिए, इसे फ्लो ट्रैप है, ठीक है ना। ये पूरा वेंट है, इसमें जॉइंट हुआ है। अभी इसको क्या करता है, हम लोग राफ्टिंग होने के पहले इसमें पानी भरता है। ओके, इसको खोलता हूँ तो पानी है, अब दिख रहा है ना, पानी भर के रखा हुआ है, तो इसमें लीक नहीं है करके देखने के लिए, राफ्टिंग में कांग डालने का लीक नहीं है करके देखने के लिए। राइसर में अभी हम लोग पाइप चेक किया, पाइप देखने का, इसमें एक वेंट पाइप है, ये वेंट पाइप है, ये वाटर सप्लाई है ना, प्रोवेशन है, बाहर से आएगा, ठीक है ना। ये वेंट पाइप है, मेन राइसर है, ये अपना मैनुअल से आता है, ये अपना वेस्ट पाइप, वो साइल पाइप है, मतलब WC का लाइन ये वाला है, ये फ्लो ट्रैप का लाइन ये वाला है। ये राफ्टिंग में पहले नीचे का काम हुआ है, वो वीडियो में देखा हुआ आपको, ये वीडियो में राफ्टिंग कैसा करता है उसका पहले क्या क्या चेक करने का। ये ग्रिड लगा हुआ है, अभी ग्रिड लगा हुआ है, ग्रिड सी, ये सर्वेयर ने हमको पॉइंट देता है ना, ग्रिड लेवल, ये X है और Y, दूसरा एक ग्रिड दिया हुआ है, और ये वाला है ग्रिड 2 का है, ठीक है ना। दो ग्रिड होना चाहिए एक चेक करने के लिए, पूरा चेक करने के लिए। इसमें भी WC है, फ्लो ट्रैप है, वॉश बेसिन और शावर ड्रेन, ये वाल का, दीवार का अंदर नहीं होना चाहिए, दीवार है ये दीवार, इसको चेक करेगा ना, अपना 10 सेंटी का दीवार है, 5 सेंटी उधर छोड़ने के बाद पीछे गैप है, शावर ड्रेन SD लिखा हुआ है। ये अपना ये WC के लिए छोड़ा हुआ है, तो 10 सेंटी वाल है ना, 10 सेंटी होने के बाद इसको प्लस टैंक आएगा ना, उसको कंसील प्लस टैंक आएगा ऊपर, वो दीवार के अंदर नहीं होना चाहिए, ये भी दीवार के अंदर नहीं है, बाहर है, ये FCO भी बाहर है, और ये पाइप बाहर आया हुआ है, उसको चेक करने का, स्लोप में बराबर आया शटरिंग मारने के टाइम, तो ऊपर तो नहीं उठा दिया, वो देखना चाहिए, और स्टील को अंदर कोई पाइप का फटा तो नहीं है, और पूरा पाइप में ऐसे झोला बांध के रखने का, झोला मतलब ऐसा ऊपर उठा के बांध के रखने का, कांग डालने के टाइम पाइप उल्टा स्लोप नहीं, वो इसके लिए ऐसा बांधना पड़ेगा, ठीक है ना। अब ये देखने से थोड़ा सा आपको जानकारी हुआ है, नहीं हुआ है थोड़ा कमेंट्स करने का, तो आपको और अच्छा वीडियो भेज देगा। हेलो, गुड मॉर्निंग। ये राफ्टिंग में इलेक्ट्रिकल कैसा चेक करने का वो देखने का। ये मेन दीवार है अपना, ये दीवार है ना, ये मेन दीवार है बिल्डिंग का, मेन दीवार है, आपको अभी मालूम पड़ रहा है ना। इसमें से अभी ये दीवार देखने का अपना, 20-40 सेंटी का दीवार है ना,
वो देखने का, 20 सेंटी का अंदर है क्या वो देखने का, ठीक है ना। ये लोग पहले काम किया हुआ है, इसकी वजह से ये दीवार के सेंटर में नहीं आया हुआ। अब देख रहा है वो स्टील को, ये स्टील ऐसे सेंटर में आना चाहिए, इस तरफ आना चाहिए, तो साइड में आ गया। फिर भी इसको थोड़ा खींच के बांधना पड़ेगा, बांध के सीधा करने का। इसमें अभी डीबी है, ये वाला अपना मेन डीबी आता है ना, मेन डीबी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, अपना विल्ला का मेन एंट्रेंस होता है, वो 3 इंच का दिया हुआ है। अपना बाकी पाइप तो आपको पता है 2025 का रूटिंग किया हुआ है, लाइटिंग एंड पावर, ठीक है ना। ये पूरा अपना पावर के लिए डाला हुआ है, इधर किधर जाता है उधर उधर देखने का, उधर उधर एक एक थर्माकोल लगाना पड़ता है, और क्यों उसके बाद में उसका हम यूज़ कर सकता है। ये वॉशिंग मशीन का पॉइंट है, ठीक है ना। ये उसका बगल में वाला आता है ना अपना साकेट है, ये दीवार है, इधर दीवार के बगल में अपना पॉइंट छोड़ के रखा हुआ है, और पाइपिंग रूटिंग है पूरा किया हुआ है। आपको ड्राइंग में आपको शो करके बताएगा, वो ड्राइंग से आपको पूरा मालूम पड़ेगा। ये लिखा हुआ ना फ्रिज और कुकर, फ्रिज का कुकर का पॉइंट दिया हुआ है। ये बगल में दीवार है, दीवार के बगल में ये वाल में आएगा, इसके लिए दिया हुआ है। ये पावर पॉइंट दिया हुआ है ऐसे थर्माकोल देने का, और राफ्टिंग में पूरा किधर किधर पावर जाता है विल्ला के अंदर वो पूरा लगा के रखने का। ये इसमें एक एक विल्ला है, टोटल 4 विल्ला है, एक ये पावर पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है ना। ये सब दिया हुआ, ये 4 विल्ला है, आपको मालूम पड़ता है वो अलग विल्ला है, ये अलग विल्ला है, उधर 2 विल्ला है, मतलब 4 विल्ला को एक 4 क्लस्टर को एक पूरा एक एक अलग अलग क्लस्टर है, मतलब एक एक विल्ला है, इसको चारों को एक ही साथ मिला के दिया हुआ है। राफ्टिंग में यही चेक करने का, पाइप फट गया नहीं फट गया, सब पाइप को बांधना चाहिए, ये हिलना नहीं चाहिए पाइप को कांगड़ डालने के टाइम, इसके लिए सब में वो बांधा नहीं बांधा वो देखना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट। ओके, ये चेक करने का, और पॉइंट वगैरह बराबर आया नहीं आया वो देखने का, पॉइंट दिया नहीं दिया, थर्माकोल दिया नहीं दिया, सब में थर्माकोल को ये सब बांधना चाहिए पूरा एक मतरूस पूरा बांध के रखने का पूरा। ये पाइप वाला कैसा बांधा है ऐसे सिंपल, ये सब में बांध के रखने का, कोई हिलना नहीं चाहिए, बाकी सब कुछ काम सही है। ड्राइंग ये सब से अब पूरा चेक करने का इसको, ठीक है ना। कुछ कमांड्स करिए चाहिए तो, बाकी वीडियो आपको भेजेगा। अभी ये विल्ला में आया, बगल वाला विल्ला में, वो राफ्टिंग किया ना, वो विल्ला नहीं देखा हुआ तो वो वीडियो देख के वापस आइए। ये राफ्टिंग का पहले अंडरग्राउंड करने के बाद ये सीमेंट से पूरा इसको फिनिशिंग करता है लोग, ठीक है ना। क्यों इसको कंपैक्शन करके उसके ऊपर ये बिटुमेन पेंट मारा हुआ है, वाटरप्रूफ पेंट मारा हुआ है, पूरा पाइप को स्टील लगा हुआ है। ये अपना बोला हुआ ना, आपको पता है ना CDP पाइप है, वो वाला अपना किचन सिंक का है, ये अपना वॉशिंग मशीन का है, ठीक है ना। ये राइसर है, राइसर पूरा बांधा हुआ है, उसके बाद में हम लोग राफ्टिंग में चेक करेगा इसको सही आया नहीं आया करके। पहले हम लोग वीडियो काम करने का टाइम इसको लाइनर ही बांध के इसको काम करता है, वो अंडरग्राउंड ड्रेनेज वीडियो में आपको पता चलेगा, वो वीडियो भी देख लिए, देखा नहीं था बाकी, वो देखने के बाद ये वीडियो देखेगा ना आपको पता चलेगा, इसके बाद आप राफ्टिंग वाला वीडियो देखना चाहिए, ठीक है ना। सेम पॉइंट है, वो देखिए फ्लोट ट्रैप उधर है, उसके बगल में WC है, उसके बाद में FCO है, ये सवर ट्रेन देखा ना अभी वीडियो में, वो सवर ट्रेन है, पहले ऐसा हो जाता है, उसके बाद में स्टील लगा के बांधता है, वो पूरा पाइपिंग बाहर आया हुआ है, वो भी देखिए इसी से मालूम पड़ेगा। सब जगह में हम लोग डमी लगा के रखा हुआ है, सब में पानी है, क्यों कोई टूट गया तो पता चल जाएगा टूट गया करके। सेम है पूरा पाइप, सेम है इसका ड्राइंग के हिसाब से पूरा चेक किया हुआ है, और लाइनर बांध के इसको किया हुआ है। इसके बाद में हम लोग राफ्टिंग शुरू करते हैं। राइसर सेम है, वो उसको बांध के रखा हुआ है, देखिए राइसर नहीं हिलना चाहिए करके इसको पाइप लगा के बांधता है, ठीक है ना। उसको आपको वो अंडरग्राउंड ड्रेनेज का वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा, ये उसमें अच्छा से एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, उसको देखने के बाद आपको पता चलेगा ये कैसा इसके बाद कैसे कंबक्शन होता है, वो भी एक वीडियो है, वो भी देखेगा आपको इसके बारे में पूरा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, ठीक है जी।